हेलो फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो व्यू आप देख रहे हैं ये कोई कश्मीर नहीं है और ना ही कोई ऊटी है, ये तो देवघर का है। देवघर का देखिए ये रास्ता जाते हुए ये सब व्यू आपको मिलेंगे। जहां आप सुल्तानगंज से देवघर जाइएगा तब आपको ये सब व्यू, सुंदर सुंदर नजारा आपको दिखने को मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पहली बार मैं जा रहा हूँ बस के छत के ऊपर चढ़ के देवघर। देवघर जा रहा हूँ सुल्तानगंज से देवघर बस में सफ़र करते हुए। देखिए कितना अच्छा लगता है जब हम बस पे सफ़र करें और बस के छत के ऊपर से जा रहे हैं। ये पहली बार मेरा सफ़र है सुल्तानगंज से देवघर बस के ऊपर। बस के अंदर भीड़ ज़्यादा थी इसीलिए मैं बस के ऊपर ही चढ़ गया। आइए देखते हैं यहाँ का नज़ारा। और ये देखिए कांवरिया पथ से कांवरिया लोग जा रहे हैं देवघर की ओर। ये पहली बार मैं सफ़र कर रहा हूँ बस के ऊपर से और ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, चारों ओर हरियाली हरियाली है। थोड़ा सा पहले डर लग रहा था लेकिन अब डर नहीं लग रहा है, क्योंकि पहली बार सफ़र कोई भी चीज़ में आप कीजिएगा और उसके ऊपर से आपको डर ही लगेगा। ये देखिए कितने सारे कांवर यात्री बस में सफ़र करके जा रहे हैं और अपना मज़ा मस्ती ले रहे हैं। ये भी एक मज़ा है, मस्ती है। और दोस्तों, आप कभी भी बस के ऊपर सफ़र किए हैं क्या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो थोड़ा सा रोचक होगा और थोड़ा हटके होगा। तो हम लोग जा रहे हैं जिलेबिया मोड़, हम लोग बीच रास्ते पे ही उतरेंगे जिलेबिया मोड़ पे। वाह कितना ठंडी है, ये ठंडी हवाएं लहराती आएं। हम जा रहे हैं देवघर की ओर जादू सचाए, ये ठंडी हवाएं। देखा दोस्तों, पहली बार बस के ऊपर सफ़र करके जा रहा हूँ तो आनंद उल्लास में हमको गाना याद आ रहा है। जैसे ये भी गाना हमको याद आ गया, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। और ये देखिए टिकट कलेक्टर बाबू भी छत के ऊपर चढ़ गया टिकट कलेक्शन करने के लिए। अरे अरे झुक जाइए झुक जाइए, अरे पेड़ की डाली, मेरा टोपी ना उड़ा ले जाए। अरे डर सा लग रहा है, बस इतना जल्दी जाता है ना, डर सा लग रहा है। और लीजिए दोस्तों, हम लोग बातों बातों में आ गए हैं जिलेबिया मोड़। ये जिलेबिया मोड़ देवघर और सुल्तानगंज के बीच में पड़ता है, यहाँ हम लोग रुकेंगे कुछ दिन, उसके बाद हम लोग जाएंगे देवघर की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो व्यू आप देख रहे हैं ये कोई कश्मीर नहीं है और ना ही कोई ऊटी है, ये तो देवघर का है। देवघर का देखिए ये रास्ता जाते हुए ये सब व्यू आपको मिलेंगे। जहां आप सुल्तानगंज से देवघर जाइएगा तब आपको ये सब व्यू, सुंदर सुंदर नज़ारा आपको दिखने को मिलेंगे। आप कांवर यात्रा पे आइए या दूसरे टाइम में आइए, ऐसे ऐसे व्यू आपको मिलते रहेंगे। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना, इन बहारों पे कैसे कली खिल गई, इन नज़ारों से कैसे कली खिल गई। जानम जाना जाना। और इस जगह को जिलेबिया मोड़ कहा जाता है, यहाँ कांवर यात्री लोग ठहरते हैं। और यहाँ देखिए कांवर यात्री लोग अपना भोजन भी परोस के खा रहे हैं यहाँ पर गाड़ी उड़ी रुक के। और यहाँ पर बहुत सारे शिविर है और जिलेबिया मोड़ पे बहुत सारे कुछ देखने का है, झरना है, डैम है, बहुत सारे चीज़ है ये बांका ज़िले में। और ये देखिए सामने हम जा रहे हैं वही भव्य दृश्य देखने के लिए, जो जगह ऊटी कश्मीर से कम नहीं है ये सब जगह। ये जगह का नाम जिलेबिया मोड़ क्यों है, यहाँ का रास्ता जिलेबी जैसा है एकदम, इतनी पेचीला रास्ता है, पहाड़ के ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर इतनी रास्ता पेचीला है, इसीलिए इस जगह को नाम हो गया है जिलेबिया मोड़। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही खास चीज़ मेरे को देखने को मिला है, ये देखिए संगमरमर पत्थर यहाँ पे बहुत सारे हैं पहाड़ पे, जो मैंने दूसरे कोई पहाड़ में मैंने नहीं देखा ऐसे संगमरमर वाला पत्थर। जो पत्थर से मूर्तियाँ बनती है सफ़ेद मूर्तियाँ, वही संगमरमर वाला पत्थर यहाँ पर बहुत है।
और पहाड़ के बीचों बीचों में बहुत सा भरा हुआ है ये संगमरमर वाला पत्थर। ये बहुत कीमती पत्थर हैं, यहाँ बहुत पड़े हुए आपको मिलेंगे। ये संगमरमर पत्थर आपको सिर्फ राजस्थान में देखने को मिलता है, लेकिन ये पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं। ये जिलेबिया मोड़ पे ये जो हम लोग कवरिया पथ हम लोग देख रहे हैं, ये पथ पहले रोड़ा कंकड़ से भरा हुआ था, पूरा पत्थर पत्थर से भरा हुआ था। आज देखिए ये पत्थर वाला रोड़ा कंकड़ वाला पथ देखिए कितना सुगम हो गया है और कितना अच्छा हो गया है पथ। देखिए मिट्टी बालू से भर दिया है ताकि कांवरिया लोग ठीक से चल सके, उन लोगों को आराम मिल सके, पैर ना गड़े इसमें। इसीलिए ये देखिए कितना अच्छा बना दिया है सरकार ने, और यहाँ सरकार बहुत सारे सुविधाएं दिया है कांवरिया लोगों के लिए। पहले आज से 4-5 साल पहले इतना सुविधा था ही नहीं ये सब जगह। दिन जितना जा रहा है इतना ही सुविधा मिल रहा है कांवर यात्रियों की। सिर्फ सरकार ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सुविधा दिया है, बहुत सारे शिविर वाले लोग और बहुत सारे संस्था के लोग यहाँ पर सुविधा ही सुविधा दिया है तीर्थयात्री के लिए। तीर्थयात्री के लिए बहुत सारे खाना पीना दवाई और मलम पट्टी से लेके आधुनिक यंत्र से मालिश करने वाला यंत्र, वो भी हम आज आपको सारे चीज़ दिखाएंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते रहिए मेरी इस वीडियो, जो क्या क्या सुविधा दिया है सरकार और स्वेच्छासेवी संस्था लोग। कांवरिया बम कहाँ से? कांवरिया बम गोरखपुर जिला बम जी। अभी आप देख सकते हैं कितनी चढ़ाई रास्ता चढ़ाई चढ़ के ये सब ऊपर में जा रहे हैं। देखिए ये पक्की भी कर दिया है, सुंदर रास्ता बना दिया है, और देखिए कितनी सुंदर सब बना दिया। पहले ये सब रोड़ा कंकड़ वाला पत्थर था, और देखिए ये जाने जाने का जो रास्ता था बहुत ही खराब था पहले, और ये देखिए आप देखिए रास्ता आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता देखिए पूरा रास्ता एकदम सटीक बना दिया है, और देखिए कांवरिये के लिए बना दिया है। ये देखिए सुंदर सा रास्ता, पूरा रास्ता इसे पक्की बना दिया है, और देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा पूरा रास्ता है यहाँ का। देखिए कांवर लोग कितने नीचे से आ रहे हैं, देखिए कितना ढलान है, देखिए इतना ढलान से चढ़ाई चढ़ के जा रहे, कितना मेहनत से जाना पड़ता है। ये जगह पहले पूरा ये पहाड़ रोड़ा कंकड़ वाला था, कोई भी पक्का नहीं जाता रास्ता, अभी देखिए पूरा ढलाई का रास्ता बना दिया है। हम भी पूरा हकला रहे हैं, आप देखिए हमारे पास कावर नहीं है, तब भी हमको कष्ट हो रहा है। यहाँ पूरे पूरे देखिए यहाँ पर शिविर ही शिविर है, जहाँ दूर दूर तक जाएगा पूरा बाबा धाम तक, सुल्तानगंज से लेके बाबा धाम तक सिर्फ शिविर ही शिविर। पूरा रास्ता के दोनों ओर शिविर, नींबू पानी भी पहुंचाया है, संग संग दवाइयां हैं, साथ ही साथ आज हमारे खगड़िया शिव शिविर में महाभंडारी का आयोजन किया गया है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी हमारे भक्तों सेवा से लगातार कई वर्षों से आपके सेवा में तत्पर है भक्त जी। आइए भक्त जी अपने कांवर को कांवर स्टैंड पर रखिए, बिल्कुल फ्री है भक्त जी, निःशुल्क है भक्त जी। अपने कांवर को कांवर स्टैंड पर रखकर अपने कांवर को कांवर स्टैंड पर रखकर महाभंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ही बाबा के लिए देवर जाएगा जी। बोल बम का नारा है, बाबा ही सहारा है,
बाबा मेरा यह दूर है, जाना जरूर है बंजे। तीन को दर्जन का एक नारी बोल नहीं तेरे पार भी नहीं जाके आके खाली खाली तेरे पार भी नहीं देखिए हर चीज का यहाँ पर सुविधा है और हम दिखा सकते हैं। ये देखिए बोलबम लोगों का सब मशीन में सब पैर ठीक हो रहा है। देखिए सारा चीज कार्यालय खगड़िया सेवा समिति का परिवार, ये देखिए यहाँ पर सब सारे पूरे व्यवस्था है। सेविंग्स अकाउंट सेवा समिति खगड़िया तीन थी गिरी मारो 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 बड़े बड़े दान पेटी भी लगाया गया है यहाँ पे। हम सब सेवा हो रहा है। देखिए सुविधा सुविधा ही सुविधा है, आज के युग में हर चीज की सुविधा है। कोई अगर कहेगा तो सुविधा नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। देखिए कितने सारे सुविधा है, सब सेवा चल रहा है, सेवा इसी सेवा। अभी देखिए यहाँ पर सब भंडारा लगेगा, यहाँ पर सब देखिए सब सेवा चल रहा है, पूरा सब चीज सेवा चल रहा है। और देखिए कूलर भी है, हर चीज का सुविधा है यहाँ पे, कोई भी चीज में हम नहीं है। और यहाँ पर हर चीज से ये सेवा चल रहा है, हाँ निःशुल्क खगड़िया सेवा शिविर है, यहाँ निःशुल्क सेवा चल रहा है, कोई तरह का शुल्क। पहले ये सड़क कच्ची सड़क थी, एकदम रूड़ा कंकड़ वाली, और देखिए रास्ते पे मिट्टी लगा दिया है, सुंदर रास्ता बना। जिसके पास जितना लंबा हाथ है पहले हाथ तो उठा लीजिए, जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा वही सबसे पहले ऊपर जाएगा बाबा की नगरी में, कहीं अदर नहीं लीजिएगा। बोलिए बाबा बैठे हाथ की हो।
पास अच्छी है, अच्छी को खोलिए।